बड़े पेड़ पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो है ना हम इस तरीके का ट्रिक का यूज़ करते हैं। जो है ना अक्सर आपने सुना होगा कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर सब्ज़ा होता है, तो सेम वही बात है। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए इस तरीके का साइड पर गड़ा कर लेना है आपने, और इसे हमने पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है। अगर आपने मेरी और वीडियोस देखी हो तो मैंने ये जामुन का प्लांट जो है ना हाल ही में जो है ना यहाँ शिफ्ट किया है, तो ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना नई नई जो है ना शाखें बनना शुरू हो गई हैं, तो ये भी इसी चीज़ का कमाल है। नीचे भी आप देख सकते हैं ये भी दो शाखें निकल रही हैं, तो ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं तो ये भी जो है ना इसी ट्रिक की मेहरबानी है। तो ये जो है ना बड़े पेड़ पौधों में ज़्यादा अच्छे से काम आती हैं, और ये जो है ना ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं और पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो है ना इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उन्हें जहाँ पर धूप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर जो है ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पर खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरीके का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि जो है ना ज़्यादा सख्त गर्मी के मौसम में जो है ना इसे पानी की कमी ना हो। ये देख सकते हैं ये जो है ना आम का पेड़ है, इसे मैंने जो है ना अपने हाथों से लगाया है, और ये मैंने जो है ना आम की जो गिठली होती है उससे मैंने लगाया है, और ये मेरे तकरीबन 2 साल का पौधा है। इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना नई शाखें बन रही हैं। तो इसके साथ भी मैंने यही किया है कि ये देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पर मैंने गड़ा किया है, और इसे मैं इस गड़े को पानी से भर देती हूँ ताकि इसकी पानी की ज़रूरियात जो है ना हो सके, और पानी की इसमें कभी भी कमी ना हो। एग्जैक्ट उस जगह को पानी मिले, उस ज़मीन को पानी मिले, इधर उधर शिफ्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर चूहों का घर था तो पानी बहकर वहाँ चला जाता था। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, और ख्याल रखना है कि बड़े पेड़ पौधों में सख्त गर्मी जो कि है कराची में, तो बड़े पेड़ पौधों में आपको जो है ना पानी की कमी नहीं होने देनी, वरना फिर गर्मियों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि ये आम का पेड़ है और ये जो है ना गर्मी में इसे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है, लेकिन जो है ना अगर मैं इसे पानी ज़्यादा नहीं दूंगी या पानी अच्छे से नहीं दूंगी या खाद का ख्याल नहीं रखूँगी, तो गर्मी का मौसम या फिर इसका सीज़न आने का मौसम इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा हमारे इस पेड़ को। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं।